बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। बिग बॉस के ऑफर को कई बार रिजेक्ट करने के बाद एक्ट्रेस कविता कौशिक ने आखिरकार शो के 14th सीजन के लिए हाँ कर दी। आइए इस वीडियो में बताते हैं आपको FIR एक्ट्रेस की लाइफ स्टोरी के बारे में। कविता कौशिक का जन्म 15 फरवरी 1981 को हुआ था। वो टीवी सिटकॉम FIR में चंद्रमुखी चौटाला का कैरेक्टर प्ले करने के लिए जानी जाती हैं। इस किरदार ने इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में उनके करियर को एस्टैब्लिश कर दिया और उन्हें एक हाउसहोल्ड नाम बना दिया। एक बार सलमान खान ने कहा था कि फिल्म दबंग में उनका किरदार कविता के किरदार चंद्रमुखी चौटाला से इंस्पायर्ड है। हम सभी ने FIR में इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला के तौर पर कविता की एक्टिंग को पसंद किया है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो रियल लाइफ में एक रियल पुलिस वाले की बेटी हैं। जी हाँ, उनके पिता दिनेश चंद्र कौशिक CRPF के एक फॉर्मर ऑफिसर हैं। कविता ने इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली से फिलोसफी में ग्रेजुएशन किया है। कविता को अपने कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग और एंकरिंग में दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग, शो होस्टिंग और एंकरिंग शुरू कर दी थी। 2001 में वो कुटुंब के लिए नई दिल्ली में हुए ऑडिशन में शामिल हुई। इसके बाद जब उन्हें शो मिल गया तो वो मुंबई शिफ्ट हो गयी। सोप ओपेरा कुटुंब में अपने काम के बाद कविता कौशिक को कहानी घर घर की में देखा गया, जिसमें उन्होंने मान्या दोषी की भूमिका निभाई थी। फिर उन्हें डेली शो कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, पिया का घर जैसे शोज में देखा गया। इसके बाद रिमिक्स में उन्होंने पल्लवी की भूमिका निभाई थी। वो टीवी सीरियल तुम्हारी दिशा में एक शॉर्ट रोल में नजर आई। इसके अलावा वो CID में सब इंस्पेक्टर अनुष्का के तौर पर दिखाई दी। इन टीवी शोज के अलावा वो झलक दिखला जा और कॉमेडी नाइट्स बचाओ में पार्टिसिपेट करती नजर आई थी। इंडस्ट्री में कविता को शुरुआती दिनों में लंबे और अट्रैक्टिव होने की वजह से ग्लैमरस और नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलता था, लेकिन FIR ने लोगों के मन में उनकी इमेज चेंज कर दी। सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि कविता ने बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। कविता ने 2004 में आई फिल्म एक हसीना थी में सैफ अली खान की गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाई थी। कविता को फिल्म सिटी और मुंबई कटिंग में भी देखा गया था। उन्होंने अपूर्वा लाखिया की जंजीर में एक आइटम सॉन्ग शकीला बानो भी किया था। कौशिक ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में बरा बराते चलिए से अपना डेब्यू किया। अगर हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो कविता कौशिक टीवी एक्टर करण ग्रोवर के साथ रिलेशनशिप में थी और उन्होंने सेलिब्रिटी कपल डांस रियलिटी शो नच बलिए 3 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये कपल 2008 में अलग हो गया। इसके बाद कविता ने 2017 में अपने सबसे अच्छे दोस्त रौनित बिस्वास से शादी कर ली। पर कविता को शो में आने से पहले ही बिग बॉस के घर की कैप्टनसी दे दी गई है। ऐसे में ये शो अब एक इंटरेस्टिंग वॉच होगा। क्या आप बिग बॉस के घर में कविता को देखकर एक्साइटेड हैं? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।